नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मिस्टर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवाओं ने भर दी हामी, मिस्टर धामी, मिस्टर धामी, युवाओं ने भर दी हामी, मिस्टर धामी, मिस्टर धामी, संयुक्त मोर्चा और जनसंपर्क अभियान जो आप सबके द्वारा घर घर तक जो केंद्र की सरकार की मोहब्बत पूरे हुए हैं उसको विशेष रूप से निमित्त मानते हुए आगे के कार्य को बढ़ाने की जो जिम्मेदारी जो दायित्व आप सबका है उसके निमित्त ही ये प्रदेश कार्यकारिणी की आपकी बैठक में हम सबको जितना अभी मार्गदर्शन मिलेगा हमारे प्रदेश के विगत कई वर्षों से हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और वरिष्ठ नेता आज के विषय गौतम जी, हमारे प्रदेश संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, प्रदेश के हमारे तीनों महामंत्री भाई वीरेंद्र चौधरी जी, भाई राजेंद्र मिश्री जी, भाई आदित्य कोठारी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई कुलदीप जी, मंच पर विराजमान हमारे क्लस्टर के संयोजक सुरेश भट्ट जी, अनिल गोयल जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष आस्था मोतियाल जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई सुशांत राहुल जी, राष्ट्रीय मंत्री एससी मोर्चा स्वराज विधान विद्वान जी, ओबीसी मोर्चा के राकेश गिरी जी, अल्पसंख्यक मोर्चा इंतजार हुसैन जी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष भाई गोविंद कुलदीप जी, अनुसूचित मोर्चे के अध्यक्ष भाई समीर आर्या जी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा जी एवं सभी सभागार में उपस्थित हमारे सभी मोर्चों के सभी पदाधिकारीगण, सभी कार्य समिति के सभी सदस्यगण और प्रदेश के कोने कोने से पहुंचे हुए सभी हमारे जुझारू पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबकी ये शानदार जो प्रदेश कार्य समिति की ये बैठक हो रही है इस बैठक में आप सबके पधारने पर मैं अपनी ओर से सभी भाइयों बहनों का हृदय की गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि ये कार्य समिति के नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें पार्टी के सभी मोर्चों के पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं, इसलिए अपने आप में यह कार्य समिति अत्यंत ही विशिष्ट है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, जिनके नेतृत्व में हमारी पार्टी और संगठन को एक नई दिशा मिल रही है। इसके साथ ही मैं संगठन मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमेशा सरकार और संगठन के बीच में बेहतर समन्वय स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य कुशलतापूर्वक किया है और हमारे प्रभारी के नाते आदरणीय दुष्यंत जी गौतम भाई साहब का कि जिन्होंने हमेशा हम सब कार्यकर्ताओं का बेहतर तरीके से मार्गदर्शन एवं उत्साहवर्धन किया है, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने आज की कार्य समिति में सम्मिलित किए गए विभिन्न विषयों को देखा, मेरा मन था कि मैं भी प्रातःकाल से ही आप सबके बीच में रहूं और जो विभिन्न विभिन्न विषय यहां पर आए हैं उन विषयों में आप सबके साथ सहभागिता करूं, लेकिन क्योंकि पहले से हमारा आज मंत्रिमंडल की बैठक
प्रस्तावित थी, निश्चित थी। इस नाते में थोड़ा विलम्ब से आया, दूसरे इस पहल में आप सबके बीच में शामिल हो पाया हूँ। इस संयुक्त मोर्चा की कार्य समिति की बैठक में अभी तक महाजनसंपर्क अभियान, संख्यात्मक विषयों पर, मन की बात, भूत सशक्तिकरण सहित अनेक विषयों पर यहाँ पर मंथन हुआ है। अभी मेरे बात भी आ गई निश्चल जी का, हम सभी को यहाँ पर मार्गदर्शन मिलने वाला है। और मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों ने बहुत गहराई से सारे विषयों पर मंथन किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके इस महामंथन से जो प्रेरणा रूपी अमृत निकलेगा, वो प्रेरणा रूपी अमृत उत्तराखंड भाजपा के लिए अत्यंत ही लाभकारी होगा। मुझसे पहले आदरणीय अजय जी ने सभी विषयों के बारे में विस्तार से बताया होगा, इसलिए मैं उन विषयों पर विशेष कुछ नहीं कहूंगा। पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमें इन विशेष अभियानों के माध्यम से समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचना है, समाज के हर व्यक्ति को छूना है और हर वर्ग तक पहुंचना है। महासंपर्क अभियान द्वारा हमें विभिन्न समुदायों के साथ ही समाज के प्रबुद्ध वर्ग, युवा वर्ग, मातृशक्ति के बीच कार्यकर्ताओं के छोटे छोटे समूह बनाकर, छोटे छोटे ग्रुप बनाकर और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो बदलते हुए भारत की जो तस्वीर है, उस तस्वीर को रखना है तथा उन्हें केंद्र और राज्य की सरकार के द्वारा जो अनेकों कार्य किए जा रहे हैं, उन सभी कार्यों के बारे में बताना है। और मैं एक बात आप सबको कहना चाहता हूं कि कई बार हमको लगता है कि हम सब लोग पदाधिकारी हैं और हम जो भी कहेंगे, हम लोग पार्टी के बड़े सम्मानजनक लोगों में से हमारी गिनती होती है, समाज की प्रेरित में से हमारी गिनती होती है, लेकिन हमको अपनी बात एक व्यक्ति से व्यक्ति को कैसे जोड़ा जाता है, एक व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने के रूप में ही लोगों के बीच में लेकर जाते हैं। अगर हम एक व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने के रूप में अपनी बातों को लेकर जाएंगे तो मैं निश्चित होकर यह कह सकता हूं कि आपकी बात सकारात्मक रूप से, सकारात्मक प्रभाव निश्चित रूप से आपके सामने वाले के ऊपर डालेगी। और इस कार्य में हमारे सभी मोर्चों के, सभी पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं की सबकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। बूथ सशक्तिकरण अभियान के माध्यम से हमें इसकी चिंता करनी है, किस प्रकार हमें बूथ कमेटियों को और अधिक मजबूत बनाना है और चुनाव के समय जनता को वोट देने के लिए ग्राम बूथ स्तर पर हम किस प्रकार से प्रेरित कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमें विश्व के हमारे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के जो विशेष कार्यक्रम है रेडियो के द्वारा, जो उन्होंने उनकी ये सोच थी कि जब आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, संचार की दुनिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया इतना आगे बढ़ रही है, उस समय में भी उन्होंने रेडियो कार्यक्रम मन की बात को किस प्रकार से लोगों तक पहुंचाने का काम किया। ये मैं समझता हूँ कि विश्व का इतिहास है कि किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा, किसी प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगातार 100 से ज्यादा एपिसोड इस प्रकार से एक दिन भी रुके हुए, एक सीरीज भी बीच में ब्रेक हुए बिना उसको पूरा किया है। और इस सीरीज के माध्यम से, ये केवल एक सीरीज ही नहीं है, आप सब लोगों ने देखा होगा सवेरे एपिसोड में जो 100वां संस्करण था, उस संस्करण में उन्होंने जिस प्रकार से बात रखी और जिस प्रकार से कोई प्लास्टिक के क्षेत्र में काम करने वाले, कोई नॉर्थ ईस्ट में बुनाई के क्षेत्र में काम करने वाले, कश्मीर में काम करने वाले या अमरोहा में काम करने वाले, जो समाज के ऐसे लोग जो अत्यधिक मेहनत कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, अपना सर्वोत्तम देने का काम कर रहे थे, उन सभी को उभार देने का काम, यानी कि उनको पहचान देने का काम और लोगों को अधिक से अधिक लाभ देकर इस कार्यक्रम से उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी की भांति हमें देश
और अपने संगठन को और अधिक मजबूत करने के लिए रात दिन काम करना है। अभी दो दिन मैं भी दिल्ली में था और 27 तारीख को हमारी नीति आयोग की बैठक थी और प्रातःकाल से नीति आयोग की बैठक चलती है, 9 बजे से प्रारंभ हो जाती है और शाम को 5-6 बजे तक लगातार चलती है। मैंने देखा कि पूरे समय प्रधानमंत्री जी हम लोगों के बीच में थे, जिसमें भारत की गवर्निंग बॉडी की काउंसिल की सबसे बड़ी बैठक कोई होती तो नीति आयोग की बैठक होती है, जिसमें देश के सभी केंद्र सरकार के मंत्रीगण होते हैं, अधिकारीगण होते हैं, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। और अगले दिन प्रातःकाल से जो भारत के द्वारा भारत के लोगों के द्वारा इस अमृतकाल के लिए ठीक उपयोगी होने वाली मान सम्मान और स्वाभिमान की प्रतीक नई संसद का जो लोकार्पण का कार्यक्रम था, प्रातःकाल 7 बजे से प्रारंभ हुआ और अनेक अनेक कार्यक्रम करते करते उसके बाद मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई, वो रात को 9 बजे तक चलती गई और प्रधानमंत्री जी लगातार ऐसे कार्यक्रमों में एक के बाद एक और उसके बाद रात्रि 11 बजे तक उन्होंने अपने जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों को संपादित किया। यानी कि एक कर्मयोगी की तरह एक दिन और एक क्षण और एक पल रुके हुए लगातार साधना का काम जिस प्रकार से मोदी जी कर रहे हैं भाइयों बहनों, उसको हमको हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि देश को एक ऐसे कर्मयोगी के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी मिले हैं कि जिन्होंने आज भारत का जो मान सम्मान है वो पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाया है। आप देखिए, पहले 2014 से पहले की बात सोचिए कि कोई प्रधानमंत्री विदेश में जाते थे तो पता भी नहीं लगता था कि प्रधानमंत्री भी विदेश में गए हैं, और आज चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, जापान हो, किसी भी देश के अंदर प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर जो है वही खबर प्रमुखता से होती है कि आज मोदी जी और भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर। अभी आपने देखा होगा किस प्रकार से बाइडन ने उनके लिए किस प्रकार का संबोधन किया, किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने संबोधन किया, किस प्रकार से पापुआ गिनी के लोगों ने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर सारी मान्यताएं समाप्त करके उनका रात में भी किस प्रकार से स्वागत हुआ और प्रधानमंत्री जी का स्वागत जरूर हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री जी के रूप में हरेक भारतवासी का, देश के रहने वाले 140 करोड़ भारतीयों का, मैं तो कहूँगा कि स्वागत और यह अभिनंदन देश दुनिया कर रही है। हरेक भारतवासी आज गौरवान्वित हो रहा है, उनके कुशल नेतृत्व का इस पर प्रतिबल है कि पिछले 9 वर्षों में हर वर्ग का कल्याण हुआ है और आज़ादी के बाद के वर्षों की तुलना में पिछले 9 वर्षों के विकास के मानदंडों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है और इसका लोहा आज संपूर्ण विश्व मांग रहा है। 2014 में देश की 140 करोड़ जनता ने आज प्रधानमंत्री मोदी जी पर अपना भरोसा जताया था और उस भरोसे ने इन 9 वर्षों में समृद्धि रूपी जो रेलवे रेलगाड़ी है उसको विकास रूपी पटरियों पर सरपट सरपट के दौड़ाने का कार्य किया है। इन 9 सालों में अगर हम केंद्र की सरकार की स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा, निःशुल्क खाद्यान्न, निःशुल्क इलाज तथा किसानों के विकास से लेकर गरीबों के आवास तक, सेना के आधुनिकीकरण, सीमाओं की सुरक्षा तथा प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन पहुंचाने से लेकर हथियार और मोबाइल उत्पादन तक के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। पहले एक समय था भारत दवाओं और टीकों के लिए विदेश की कृपा पर निर्भर रहता था या कोई हमको उपहार स्वरूप जो है वैक्सीन दे दिया करते थे। आप केंद्र में जब से मोदी जी की सरकार आई, भारत ने इस कोविड के समय में एक नहीं दो दो स्वदेशी टीके विकसित किए, बल्कि कई देशों को ये टीके और जीवन रक्षक दवाइयों को भी भेजने का काम किया। आज मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति आई है और इस नए पाठ्यक्रम को लाकर सरकार की शिक्षित समाज और मजबूत भारत की जो प्रतिबद्धता है वो प्राथमिकता से सबके सामने झलकती है। भाइयों बहनों, स्वतंत्र भारत के इतिहास में अगर हम आवास निर्माण की बात करें तो आजादी के बाद से लेकर 65-66 वर्ष
मकानों की संख्या देखेंगे तो 8 लाख मकान है और इन 9 वर्षों में जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था 3.5 करोड़ से भी ज्यादा गरीबों को मकान दे दिए। इसी के साथ साथ कोविड काल में 80 लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा, ये बहुत बड़ा विषय है, हम सब जानते हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जो योजना मार्च 2020 में प्रारंभ हुई थी वो योजना अभी तक चल रही है। आज आदरणीय मोदी जी के जो दिव्य दृष्टि थी, देश में करीब 50 करोड़ जो जनधन खाते खोले गए जिनका प्रयोग उनके खाते में सीधे डीबीटी के लिए हुआ और महिला सशक्तिकरण में सबसे अधिक बेसिक कार्य करने का बीड़ा भी उनके कार्यकाल में हुआ। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में करीब 12 करोड़ नए शौचालय बनाए गए। इसी के साथ साथ 9 वर्षों में 9 करोड़ से अधिक उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दिए गए। सरकार ने रोजगार बिलों के माध्यम से 10 लाख लोगों को रोजगार देने का कार्य भी प्रारंभ किया है और इस वर्ष दिसंबर तक 10 लाख लोगों को रोजगार देने का कार्य पूरा हो जाएगा। 3 तलाक समाप्त करना हो, धारा 370 समाप्त हो, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना हो, काशी में भव्य काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनना हो या हमारे यहाँ पर बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान पर तेजी से काम होना हो या केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण होना हो, ऐसे अनेकों महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनको आने वाली पीढ़ियां हमेशा हमेशा याद रखेगी। पिछले 9 वर्षों में उनकी मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर आतंकवादी, नक्सलवादी, उग्रवादी जो गतिविधियां हैं उन सभी में भारी कमी आई है। आज दुनिया के अंदर भारत 5वीं सबसे अर्थव्यवस्था के रूप में बन गया है और हमारे द्वारा जो UPI जैसी कई योजनाओं को पश्चिमी देशों के लोग भी आज एक मॉडल के रूप में मान रहे हैं, यह नया भारत है। और 2014 से पहले जब हम उसकी बात करते हैं तो जो विकास का इंजन है वो विकास का इंजन काफी धीमी गति से चल रहा था, परंतु डबल इंजन की सरकार आने के बाद विकास का यह इंजन आज तेजी से दौड़ रहा है और हर क्षेत्र में दौड़ रहा है। 2014 से पहले आप हमारे उत्तराखंड के अंदर देखेंगे तो आप देखिए 2014 के बाद यहाँ एम्स स्थापित हो गया, एक से एक नहीं एक ऋषिकेश में जो हजारों लोगों को आज प्रत्येक दिन OPD के माध्यम से अपनी सेवाएं देता है, वहीं दूसरा ये हमारा उधम सिंह नगर कुमाऊं क्षेत्र के लिए भी स्वीकृत हो गया और हमारे छोटे से राज्य में उस जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो बड़े बड़े राज्यों में भी 2 एम्स नहीं है। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ क्योंकि मोदी जी का हमारे राज्य के साथ विशेष लगाव है, इसलिए हमको दूसरा एम्स भी उत्तराखंड के अंदर खोलने की स्वीकृति प्रदान हो गई। 2014 से पहले सड़कों की हालत किस प्रकार से खस्ता थी, वो छिपी हुई नहीं, आज दिल्ली से देहरादून जाने वाली सड़क जिस प्रकार से तेजी से एलिवेटेड रोड का काम हो रहा है, आने वाले समय में मात्र 2 घंटे में देहरादून से दिल्ली की जो सफर है वो पूरा हो जाएगा। हरिद्वार से देहरादून हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी सर इलाके, तो देहरादून से हरिद्वार जाने के लिए मतलब 3-3 घंटे में सफर पूरा होता था और अब तो मैं समझता हूँ कि 45 मिनट लगते हैं। 45 मिनट में हरिद्वार से देहरादून की दूरी पूरी हो जाती है। इसी प्रकार से हम आगे जाएंगे, चार धाम की ओर जाए तो ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक पहुंचने पता ही नहीं लगता है और उधर टनकपुर से एक दिन हिमा जी देहरादून में थी, अगले दिन मेरा कार्यक्रम था तो मैंने कहा कि आप बड़ी जल्दी यहाँ पहुंच गई, बोले हाँ कुल 4.5 घंटे मुझे देहरादून से टनकपुर आने लगे। अब अंदाजा लगाइए कि कोई क्षेत्र छूटा नहीं है, चार धाम वाले रोड है, चाहे भारतमाला सड़क परियोजना हो, एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने का काम हो रहा है और प्रतिदिन 38 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा है। पहले वैक्सीन लगाने के लिए दर दर भटकना पड़ता था, आज जो मोदी जी के नेतृत्व में मिशन इंद्रधनुष योजना जो बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए तेजी से वैक्सीन लगाने का काम हर सेक्टर में हो रहा है। 2014 से पहले भारत के सांस्कृतिक वैभव पर किस तरह कुठाराघात किया गया ये हम सब जानते हैं। 2014 से पहले भारत एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में, एक हिंदू भारत के रूप में उसकी पहचान थी और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व का अग्रणी राष्ट्र बन गया, यानी कि
कोई एक घटना होती है तो पूरी दुनिया के लोग भारत के रूप का इंतजार करते हैं। यह है नया भारत जिसको हम कह सकते हैं समर्थ भारत, शक्तिशाली भारत और समृद्ध भारत। और इस समृद्ध भारत में 2014 से पहले देश में हर साल एक नए IIT का निर्माण हुआ है और 2014 के बाद हर साल देश में एक नया IIM बनाया गया है। 2014 के बाद हर सप्ताह देश में एक नई यूनिवर्सिटी खोली गई है और 2014 के बाद हर दिन देश में दो कॉलेज खोले गए हैं। 2014 के बाद हर दिन एक नए ITI का निर्माण किया जा रहा है। यह सब पिछले 9 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व का ही कमाल है कि संभव हो पाया है। भाइयों बहनों, पहले एक समय था कि जब दिल्ली से 1 रुपया भेजा जाता था तो वो पहुंचते पहुंचते जिस लाभार्थी तक पहुंचता था वहां तक 15 पैसे पहुंचता था। लेकिन आज जब से DBT की सुविधा प्रारंभ हुई और ये भ्रष्टाचार पर जो है पूरी तरह से प्रहार किया गया, तो अगर 1 रुपया अगर दिल्ली से भेजा जाता है तो 1 रुपया पूरा का पूरा उस व्यक्ति तक पहुंचता है जिसके लिए पैसा भेजा जाता है। आने वाले सैकड़ों वर्षों पर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा भारत में जो काम किए गए हैं उसकी विजय गाथा का स्मरण करते रहेंगे। इन 9 वर्षों का जो कार्यकाल है अभूतपूर्व कार्य का विस्तार से अगर मैं बहुत बोलूंगा तो काफी लंबा समय हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इस प्रातः काल से आप लोगों ने कई सारे कार्यक्रम, कई सारी योजनाएं और कई सारे मार्गदर्शन लिए होंगे, इसलिए मैं इसमें बहुत विस्तार से नहीं जाता। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाइए। हर वर्ग को योजनाओं का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा, इनका भी इनको भी सुनिश्चित करिए। और सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उन सरकार की योजनाओं को ठीक प्रकार से लोगों के लिए कैसे उपयोगी बनाया जाए, कैसे उनको लाभार्थी बनाकर उनको जोड़ा जाए, इस अभियान में हमारे मोर्चे के सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और आने वाले समय में मैं आदरणीय दुष्यंत जी यहाँ पर हैं, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे जो प्रदेश हैं वहाँ विधानसभा के चुनाव होने हैं और यह संयुक्त मोर्चे की कार्य समिति, आप सबकी तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास दिलाती है कि राज्यों में चुनाव कार्यों में सहयोग के लिए भाजपा की जो टीम उत्तराखंड है वो हर सहयोग देने के लिए जैसे पूरे देश के अंदर जाती है। और इस वर्ष उत्तराखंड में स्थानीय निकाय के चुनाव भी होने वाले हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी कार्यकर्ता इन चुनावों में हमेशा की तरह अपना संपूर्ण योगदान देंगे। हमारी प्रदेश की सरकार लगातार अनेकों फैसले ले रही है और जो हमने संकल्प लिए हैं उन संकल्पों के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। विकास, सुशासन, रोजगार तथा उत्तराखंड की जो विशिष्ट सांस्कृतिक जो पहचान है उसको बचाने के लिए किया जा सकता है उसको लगातार करने का काम हो रहा है। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की ये टीम उत्तराखंड 2024 के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथियों, वर्तमान में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर हमारे सांसद हैं और 2024 के चुनाव में भी हमारा संकल्प इन 5 सीटों पर विजय प्राप्त करना ही नहीं है बल्कि सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक नया इतिहास बनाकर हमको मोदी जी को इसी बार योजना प्रधानमंत्री बनाना है। हम केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास दिलाते हैं कि चुनाव में देव गुरु की जनता के आशीर्वाद से हम सभी सीटों पर शानदार विजय प्राप्त करेंगे और देश में पुनः भाजपा की सरकार बनेगी और हमारे प्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। 2014 के इस पूर्ण अभियान में हम सबको पूरे मनोयोग से जुटना होगा। साथियों, ये अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि ये जो 22 वर्षों का हमारा युवा उत्तराखंड है ये एक नए जोश और नई उमंग के साथ आगे बढ़ रहा है। हम सभी कार्यकर्ताओं को जो मोर्चे की कार्य समिति से गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित, अनुसूचित जनजाति, युवाओं एवं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लेकर यहाँ से हम वापस जाएंगे। हमें आज इस कार्य समिति के बैठक के द्वारा जो विकल्प सहित संकल्प लेना है और बाबा केदार की धरती से जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके मुंह से कथन निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको चरितार्थ करने के लिए, उसको धरातल पर उतारने के लिए और जब तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम
अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति पर हम नहीं पहुंच पाता है तब तक हमें संकल्प लेना होगा, एक सौगंध लेनी होगी और एक सबक लेकर जाना होगा कि हम सब आराम से नहीं बैठेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे और तब तक अनुरत रूप से काम करते रहेंगे जब तक ये हमारा संकल्प पूरा नहीं होगा। आप सभी को इस संयुक्त कार्य से लेकर भव्य आनंद की बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए और आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।